अधिकतम पार्षदों की जीत की खबर के बाद उत्साहित कांग्रेसी बाहर आए हैं और हम इनसे बात करने के लिए मौजूद हैं कमलकांत भारद्वाज जी, जो हरसूद में कांग्रेस की जीत के सूत्रधार रहे हैं, सुनील बावा जिन्होंने कांग्रेस को जिताने के लिए रात दिन मेहनत की, मुकेश वर्मा जी जो कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं और साथ में कांग्रेस के अन्य कई वरिष्ठ नेता जिन्होंने कांग्रेस को जिताने के लिए काम किया है। हम सभी लोगों से बात करेंगे, मुकेश वर्मा जी ने भी काम किया है, हम बात करते हैं कमलकांत भारद्वाज जी से। भैया आपका स्वागत है कांग्रेस। धन्यवाद। कांग्रेस ये जनता का जो रुख है वो शुरू से ही लग गया था कि जनता कांग्रेस के साथ में है और कांग्रेस को जिताएगी, कांग्रेस के पार्षदों को जिताएगी और जनता ने सिद्ध कर दिया। हम हरसूद छनेरा की जनता को धन्यवाद देते हैं, कांग्रेस के प्रति निष्ठा के लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। जनता का हम जिस तरीके से भी उनका उपकार हम मानेंगे और जो काम है जनता के वो करेंगे। कांग्रेस परिषद बैठेगी, कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा जी। अभी तक कितने कांग्रेस पार्षद जीतने की आठ कांग्रेस के पार्षद जीते हैं जी, और ये बड़ी शहर के लिए खुशखबरी है कि अब एक नेक और ईमानदार सरकार बनेगी, स्थानीय सरकार, और जनता के हित में काम करेगी। आप भी वार्ड 9 से दावेदार थे, आपका क्या? मेरे यहाँ धर्मपत्नी थी दावेदार, पर जनता का जो भी जनादेश है उसका मैं सम्मान करता हूँ और जो भी मैं हार स्वीकार करता हूँ और जनता को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे कमलकांत भारद्वाज जी, जिनका ये कहना है कि वार्ड 9 से भले ही इन्हें शिकस्त मिली हो लेकिन संपूर्ण हरसूद छनेरा नगर में जो कांग्रेस को जनाधार मिला है ये इनकी असली जीत है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। बाबा आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? स्वागत, धन्यवाद बहुत बहुत वसीम भाई, आपने शुरू से लेकर चुनाव के शुरू से लेकर आखिरी तक एक अच्छा माहौल बनाया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को नवरात्रि नववर्ष की जो है बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ। और हार जीत का तो ऐसा है वसीम भाई कि लोकतंत्र में जीत केवल जनता की होती है जी। और हम इस हरसूद छनेरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी और एक नेक जो है पार्टी का चयन किया, कांग्रेस पार्टी को अपना अमूल्य अमूल्य से अमूल्य वोट दिया, जिसके लिए हरसूद और छनेरा वासी की एक एक जनता, एक एक माताएं, एक एक बहन भाई सबको बहुत बहुत दिल से आभार प्रणाम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाजपा की हार के क्या कारण मानेंगे आप? हार के कारण जो है भाजपा ही बताए तो ज्यादा अच्छा है जी, कांग्रेस की जीत का कारण बता दें। हाँ, कांग्रेस की जीत का कारण है कि जनता ने उन पर भरोसा जताया है और इस भरोसे के लिए हम जनता को फिर एक बार दिल से धन्यवाद और हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। जो प्रमुख नगर की जो समस्याएं जिनको लेकर हमेशा लोगों की शिकायतें रही है, आपकी परिषद बैठने जा रही है तो उनका क्या निराकरण कराएंगे? जनता ने जिस भरोसे और जिस विश्वास के साथ कांग्रेस सरकार का जो साथ दिया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस एक अच्छी से अच्छी मतलब कि नेतृत्व के रूप में उभरेगी और जनता ने जो उम्मीदें जताई है वो एक एक काम, एक एक वार्ड में, एक एक घर जाके कांग्रेस पार्टी अपना काम पहले भी करती थी और आगे भी करेगी। ऐसा में हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ कमलनाथ जी हैं, अरुण भाई जी हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, सबका अभिवादन और धन्यवाद आभार करते हैं कि जिन्होंने हमें इस रूप में इस पद के ऊपर स्थापित किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ मुकेश वर्मा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए यहाँ पर स्वागत और सम्मान का दौर चल रहा है। हमारे साथ मुकेश वर्मा जी भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? ये छनेरा और हरसूद की जनता की जीत है, विशेष करके पूरे कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी, उसमें हमारे सुनील बाबा नगर अध्यक्ष ओम हड़ा जी और हमारे विशेष नेतृत्व कमलकांत भारद्वाज जी, आदरणीय सुभाष साण जी और सारे अन्य नेता ग्रामीण से लेकर सब प्रकार, कुछ लोगों ने जरूर हराया लेकिन जनता की जीत हुई है। कांग्रेस को कांग्रेस ने कुछ हराया उसमें भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन हमारे नेता उन पर सब पे भारी पड़े, यानी ओम हड़ा जी की प्राथमिकता गिना दीजिए कभी आप नगर परिषद। मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत देने का प्रयास, भारत माता की, कांग्रेस 24 घंटे सरकार के काम चलाने के लिए तैयार रहूंगा। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी देंगे?
अब जनता की सुविधा के लिए विचार करेंगे, उसके लिए उस पर विचार करेंगे। हमारे साथ रघुवीर चौहान जी भी हैं जो कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। भैया आपका स्वागत है, क्या कहेंगे? भैया धन्यवाद वसीम भाई जी, क्या जीत है? पूरे हरसूद नगर वासियों की जीत है जी, और पूरे संगठन की जीत है जी। इसके लिए मैं सभी पूरे नगर वासियों को धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जी। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के नेता श्री ठाकुर साहब मौजूद है, आर एन ठाकुर जी, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे आप? हमने आपको उसी दिन बताया था कि हम बड़े उत्साहित होकर हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं जी। और हमने आज कर दिखाया, हमारे सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने खासकर हमारे मुकेश वर्मा जी ने बड़े लीडिंग ली है, शहर कांग्रेस हमारे बबलू अपने बाबा जी, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने भी अच्छी बहुत मेहनत की है। हमारे एक एक कर्ता ने जोश का परिणाम है, हम सबको इसका श्रेय देते हैं। बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। तो ये सभी कांग्रेस नेता थे, और देखिए आप निकल के अपनी जीत की खुशी मनाते हुए सभी लोग जा रहे हैं, और ये तय हो चुका है कि इस बार कांग्रेस की परिषद बनेगी, और हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे।